गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुवाहाटी में मेरा दूसरा दिन है। आज मैं मामी को लेकर आई हूँ बैंक में, क्योंकि मामी का पेंशन का प्रॉब्लम हो गया था। कुछ उनका पेंशन का पैसा जमा नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो नवंबर महीने में जमा देने होते हैं ना, ये हम लोग को नहीं मालूम था तो नहीं किया। तो अभी सब कुछ मैंने फॉर्म फिलअप करके ये जमा देने लगी हूँ। बैंक का काम होने के बाद मम्मी को छोड़ के घर में आके लंच बना के खा के मैं थोड़ा 3-4 बजे निकल के आया। और यहाँ पे आधा बड़ी तीन अली में एक जो डिपार्टमेंट है सॉरी, यहाँ पे जितने भी महीने के लिए महीने भर का मैं सारा रेशन ले लिया है और वापस मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर गाइस 40 डिग्री हो गया है गुवाहाटी में। मेरा हालत आप लोग देख सकते हैं, इतना ख़राब है। मैं अच्छे से नई वीडियो बना पाऊँगी शायद, गर्मी के वजह से बहुत मुश्किल होते हैं गाइस। और जितना भी हो सके मैं दिखाती जाऊंगी आप लोग को वीडियो, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाती जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तबीयत ख़राब होने वाले है मुझे मेरे ख्याल से। ये सारा सामान मैं पहले निकल लेती हूँ और अच्छे से समेट के रख देती हूँ गैस। और मैं सारा सामान जल्दी जल्दी मैं निकल लेती हूँ, क्योंकि इसको समेटने के बाद घर का और ज़्यादा काम है। इतना गर्मी में आने के बाद ये निकलना, फिर इसको अच्छे से समेट रखना है। आप लोग देख सकते हैं मेरा जैसे कि घर का ड्रेस में हो, गाइस प्लीज मान कीजिए कि इतना गर्मी है। The next day. फिर से गुड मॉर्निंग गाइस, और एक नया ब्लॉग के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ। आज ए नेक्स्ट डे और आज ए गुरु पूर्णिमा, तो मेरे घर में पंडित आए हुए हैं। सुबह सुबह मैं मंदिर में सारा कुछ तैयारी कर रहे थे, पंडित पूजा करवा रहे हैं मेरे। हाँ, मेरा हस्बैंड बैठते हैं पूजा में, तो इस साल तो वो नहीं है, पर नहीं बैठ गई हूँ, क्योंकि हम लोग पूर्णिमा के दिन पूजा होते हैं, आप लोग को तो मालूम है, तो वही पूजा हम नहीं कर रहे। उसके बाद हम लोग कहीं पर जाएंगे। मेरा वीडियो प्लीज़ स्किप किए बिना इन तक जरूर दिखिए। और देखिए पंडित जी पढ़ रहे हैं नारायण का भगवान का पाशाली। और गर्मी के वजह से बेचारे का हालत देखिए, वो सुबह से और सुबह भी किसी का घर में अभिषेक करके वो सीधा मेरे घर में आई है। और गर्मी इतना है तो वो अपना कुर्ता उतर के बनियान पहन लिया, क्या करेगा। मेरा खराब लग रहा है मन, इतना गर्मी है, उपाय भी नहीं है। पूजा जल्दी जल्दी करा लेते हैं जितना भी हो सके, भगवान जी को खुश करके फिर वापस आएंगे। हम लोग कहीं पर पंडित जी शायद नहीं खाएंगे कुछ भी, क्योंकि उनका और एक पूजा है, बार बार फोन आ रहा है, तो और एक पूजा के लिए उसको सीधा जाना है। तो दान दक्षिणा जल्दी करा के, और अभी ब्रेकफास्ट जिसको बच्चे को दिया है और भी खा लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ हम सभी माँ बेटे लोग कहीं पर। आप लोग देखते रहिएगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग। शीतल माइसा Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left. हम लोग का आने का खास वजह ये है, मेरे ईशान का चश्मा कल रात को टूट गया था, तो आज इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाया, क्योंकि वो बोर्ड में जो लिखाते हैं ना मिस, तो वो नहीं धुंधला धुंधला, तो नहीं जा पाए मंडे से एग्जाम है। तो बेचारे का चश्मा को जल्दी जल्दी ठीक कराना है, तो मुश्किल है उसी का अपना जो के मेजरमेंट का एक फ्रेम खरीदना है, ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्टली नहीं मिलता है, लेकिन देखते हैं मिलेगा कि नहीं।
हाँ, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं अभी। और देखिए, इतना धूप में माँ बेटा लोग बाहर ऐसे आ रहे हैं और मिल गए। हम लोग पहुँचा है अभी एनसी स्क्वायर मॉल में और यहाँ पे है लेंस कार्ड और यहाँ पे फाइनली हम लोग का ईशान का चश्मा ठीक हो गया है और अभी जा रहे हैं दोनों का हेयर कट कराने के लिए। तो एनसी स्क्वायर मॉल में ही एक अच्छा वाला सैलून है, बच्चे को यहाँ पर बिठा देते हैं हेयर कटिंग के लिए, क्योंकि वो दिशान बोल रहे थे उनको पार्लर में हेयर कट करना है। तो देखते हैं कैसे काटते हैं कैसे नहीं। টুপলাকিটা কত থলা ফল বিলাকর কিনাছুন हेयर कट करा के और चश्मा बना के हम लोग का 2:30 बज गया था यहाँ पे और बच्चे को भूख भी लगे थे। तो इसी मॉल में एक जैसे कि क्या बोलते हैं बर्गर बोलते हैं ना, बर्गर किंग का एक शॉप है। तो बच्चे को कुछ ऐसे फेजीज का चीज खिला रहे हैं और हमको भी कुछ एक कोल्ड कॉफ़ी पीना था, इतना गर्मी है, मुझे थोड़ा राहत मिला। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And ईशान को बहुत गुस्सा गया था। ईशान ने अपने लिए एक टेको ऑर्डर किया था, पता नहीं क्या चीज़ है, टेको वो खा लिया है और ईशान ने मंगाया था कोल्ड कॉफ़ी, वो मैंने आधा पी लिया था। तो ईशान बोल रहे हैं मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं है। तो मैंने फिर से इनके लिए ये फेजिस तो फिंगर है, इसमें कॉर्न होते हैं, फेजिस होते हैं, सिर्फ फेजिस, नॉनवेज कुछ भी नहीं है। तो ये खा के हम लोग क्या किया, ईशान और मैं दो मसाज चेयर पे बैठ गया गाइस, क्योंकि गर्मी के वजह से इतना अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे नींद नींद जैसे आ रहे थे। तो यहाँ पे एक सुंदर सा फैसिलिटी भी है, 100-100 करके यहाँ पे 20 मिनट्स का यहाँ पे बेड मसाज होते हैं, कितना सुंदर सा। तो हम दोनों ने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि ईशान जिम जाते हैं ना हर रोज़ सुबह सुबह, तो उनका पूरा बॉडी में पेन हो रहा था। तो मैंने बोला तुम भी कर लो, तो वो भी इसमें सो गया है। Going around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on.